वहीं दिल्ली में नर्सरी एडमिशन के लिए दाखिले की दौड़ शुरू हो गई है। अभिभावक अलग अलग स्कूलों में फॉर्म जमा करा रहे हैं। पहले दिन सबसे ज्यादा सवाल इस बात पर आए कि जिन बच्चों का पिछले साल एडमिशन नहीं हुआ वो क्या करें। देखिए रिपोर्ट। नर्सरी केजी और पहली कक्षा में एडमिशन के लिए दिल्ली में दाखिले की दौड़ आज से शुरू हो गई है। अभिभावक अपने बच्चों के लिए 4 मार्च तक अपने पसंदीदा स्कूल में आवेदन कर पाएंगे। पहले दिन सबसे ज्यादा सवाल उन अभिभावकों को लेकर आए जिनके बच्चों का दाखिला पिछले साल कोरोना की वजह से नहीं हो पाया था। जिन स्कूलों में नर्सरी है वहाँ नर्सरी, जिन स्कूलों में केजी है वहाँ केजी, और जिन स्कूलों में फर्स्ट क्लास एंट्री लेवल है वहाँ एडमिशन का प्रोसेस शुरू हो गया। अब इस साल जो पेरेंट्स के सामने सबसे बड़ी दुविधा देखने को जो मिल रही है, जो मैं अधिकतर पेरेंट्स से मेरी बात हुई, अधिकतर स्कूलों में मैं गया, वो ये है कि जिन बच्चों का पिछले साल नर्सरी क्लास में एडमिशन नहीं हो पाया था कोरोना के कारण, तो ऐसी स्थिति में वो बच्चा ओवरएज हो गया, अब नर्सरी के लायक वो रहा नहीं और केजी क्लास में आज का एडमिशन होना है। और केजी क्लास में हमको इसलिए दाखिला नहीं मिल रहा है क्योंकि केजी क्लास मैक्सिमम स्कूलों में एंट्री लेवल होता नहीं है। तो ये दुविधा पेरेंट्स में अधिकतर आज देखने को मिली, जिसके लिए अधिकतर पेरेंट्स चिंतित थे, परेशान थे। वहीं कोरोना की वजह से इस बार सरकार ने स्कूलों को भी हिदायत जारी की है, जिसमें स्कूल 1 महीने की फीस के अलावा एडमिशन फीस ही ले पाएंगे, जिसकी वजह से ये आशंका भी जताई जा रही है कि अभिभावक एक बच्चे का कई स्कूलों में दाखिला करा ले और बाद में पसंदीदा स्कूल का चयन करे। स्कूलों के सामने चिंता ये होगी कि किसी बच्चे का अगर 2 स्कूल या 3 स्कूल या 4 स्कूल में दाखिला हो जाएगा तो वहाँ पे दाखिला ले लेगा और वो सेकंड लिस्ट का भी इंतजार नहीं करेगा। ऐसी स्थिति में वो तब तक वो सीट को खाली नहीं करेगा जहां वो अपने बच्चों को दाखिला नहीं चाहता है, जब तक कि 31 मार्च का जो एडमिशन की डेट है वो खत्म न हो जाए। कि अगर स्कूल एडमिशन देते समय पेरेंट्स के ओरिजिनल पेपर अपने पास रख ले तो उसमें ऐसे बच्चों से छुटकारा मिल सकता है, पेरेंट्स से छुटकारा मिल सकता है जो 1, 2, 3, 4 ऑप्शन को खुला रखना चाहती है। दिल्ली में NCR कक्षा में आवेदन के लिए आखिरी तारीख 4 मार्च है, जबकि 20 मार्च को पहली लिस्ट जारी की जाएगी, 25 मार्च को दूसरी और 27 मार्च को तीसरी लिस्ट जारी होगी। 31 मार्च तक एडमिशन की प्रक्रिया को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। दिल्ली से टोटल न्यूज़ के लिए विश्वजीत झा की रिपोर्ट।